इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर। सलोन जो आपको देता है स्टाइल। हमारे पड़ोसी है, सिंगल पेस की ट्यूब वेल चला रहा है, सिंगल ट्रांसफोर से। ये सिंगल लाइट चलता है या ट्रांसफोर है, इससे रात के समय में चोरी से चला रहा है। हाँ, कितनी बार आए हो, क्या समस्या? पहली बार आई हूँ। आप मिलिए, पहली बार आई हूँ। आपका नाम? बोमा राम। किस जगह से? सांजू से। आज हमने हर मंगलवार की तरह या अजमेर में जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा है। इससे पिछले वाले मंगलवार को हमने सीकर में रखा था। या आज की जनसुनवाई में लगभग 31 केस आ चुके हैं। ज़्यादातर इनमें केस VCR से संबंधित है, उनको हमने सेटलमेंट को रेफ़र किया। कुछ लाइन शिफ्टिंग के केस हैं, अभी एक सज्जन का नाम के सही नाम नहीं आ रहा, उससे संबंधित है। इन सबको और कुछ केसेज ऐसे हैं जिसमें कनेक्शन के लिए लिखा गया, तो जो कनेक्शन वाले संबंधित केसेस हैं उनको हम आज ही कनेक्शन दिलवाने का प्रयास करेंगे, और बाकी के जो केसेस हैं उनको अगले 3-4 दिन के अंदर उसको पूरा कराएंगे। कुछ केसेस में टाटा पावर से संबंधित है, तो टाटा पावर के मनीष जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे भी आग्रह है कि वो आज ही इनसे जो भी समस्याएं हैं उनको निस्तारित करें, और जो इस तरह के केसेस हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसको अगले 7 दिनों तक हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। आपने भी एक बड़ी कार्रवाई की थी, उसके बावजूद भी बिजली चोरी हुई, और आप उस टाइम की कार्रवाई करने जा रहे हैं या? बिजली चोरी के मामले में मैं आपके सभी के चैनल के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को ये आग्रह करूंगा कि बिजली चोरी जो भी करता है आस पड़ोस में, उसकी शिकायत हमारे टोल फ्री नंबर पर करें, और बिजली चोरी से अपने जितने भी पड़ोसी या रिलेटिव्स हैं उनको जो बिजली चोरी नहीं करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जो भी बिजली चोरी करते हैं उसका जो भार होता है वो ऑनेस्ट उपभोक्ताओं पर पड़ता है। और अब हमने एडिशनल SP विजिलेंस भी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, तो सघन कार्रवाई विजिलेंस की हमने कार्रवाई चालू कर दी है। इस केस के अंदर नागौर के अंदर अभी पिछले 3-4 दिनों के अंदर हमने करीबन 10-11 ट्रांसफर उठाए जो चोरी में लिप्त थे, और आज भी हम इस तरह की कार्रवाई नागौर में कर रहे हैं। और इस तरह की जो विजिलेंस की एक्टिविटी है अगले 7 दिनों के अंदर हम सभी जगह चलाएंगे। हर शनिवार को हम लोग पूरे अजमेर डिस्कॉम के सभी 740 जो इंजीनियर्स हैं वो सभी सिर्फ उस शनिवार को सिर्फ बिजली चोरी पकड़ने का या विजिलेंस करने का काम करते हैं। उस संबंध में भी यह है कि हमने जो शनिवार को लगभग 3400 केसेस में विजिलेंस की थी, और उसके अंदर करीबन 1200 केसेस में विजिलेंस की चोरी पकड़ी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सभी जगह नागौर के अंदर सबसे अच्छा काम हो रहा है इस मामले में, और करीबन 1 करोड़ की बिजली सिर्फ शनिवार के दिन हमने पकड़ी है। इस तरह का सघन प्रयास हमारा बिजली चोरी का अभी जो महीने हैं उन अगले 1-2 महीने तक चलेगा, और आपके चैनल के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को मैं फिर से निवेदन करूंगा कि बिजली चोरी के जो केसेस हैं बिजली चोरी नहीं करें, और बिजली चोरी करने पर जो हम लोग एक FIR दर्ज कराने का और उनके ऊपर पेनल्टी लगाने का करते हैं उससे बचने का प्रयास करें। ठीक।